ये तो था बारह राशियों का साप्ताहिक राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर जानेंगे आज का महाउपाय। महाउपाय में जानेंगे गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन दोष से बचाव के उपाय। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। कल से गणेश चतुर्थी का पर्व, जो गणेशोत्सव होता है, वह आरंभ हुआ है। अमूमन हर घर में लगभग गणेश जी की स्थापना होती है, और कल के एपिसोड्स में हमने आपको जानकारी दी थी कि आपको चतुर्थी की तिथि में, खासतौर पर भाद्रपद की चतुर्थी में, चंद्रदेव का दर्शन नहीं करना चाहिए। और जाने अनजाने अगर पूजा पाठ में कल आपने दर्शन कर ही लिया, तो उस चंद्र दोष से बचने के लिए आज मैं आपको उपाय बताऊंगा, और उसके साथ साथ इन 10 दिनों में भगवान श्री गणेश को कैसे आपको दूर्वा अर्पण करना है, दूर्वा अर्पण करने के लिए क्या मंत्र हो, क्या विधि हो, क्या विधान हो, ये सारी जानकारी मैं आपको आज के महा उपाय में देने जा रहा हूँ। गणेश जी का महत्व जो है हमारे भारतीय धर्मों में सर्वोपरि है। उन्हें हर नए कार्य, हर बाधा या विघ्न के समय बड़ी उम्मीद से याद किया जाता है, उनको पूजा जाता है, और दुखों, मुसीबतों, समस्याओं से छुटकारा व्यक्ति बहुत आसानी से पा लेता है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन के पश्चात व्रती को आहार लेने का निर्देश है। इसके पूर्व आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, किंतु भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को रात्रि में चंद्र दर्शन अर्थात चंद्रमा को देखना भी निषिद्ध बताया गया है। और अगर जाने अनजाने वो दर्शन हो जाता है, तो ऐसा कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को मिथ्या कलंक लगता है। तो इस कलंक से बचने का क्या उपाय है, वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। जो व्यक्ति इस रात्रि में चंद्रमा को देखते हैं, उन्हें झूठा कलंक प्राप्त होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का निर्देश है। यह अनुभूत भी है, और यह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो चुका है। श्री कृष्ण के ऊपर स्यवंतक मणि चोरी का आरोप लगा था, और यही वो मंत्र है जिस मंत्र का जाप करके आप उस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इस गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने वाले व्यक्तियों को उक्त परिणाम अनुभूत हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि जाने अनजाने में चंद्रमा दिख भी जाए, तो जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का पाठ, उस मंत्र का जाप किसी भी व्यक्ति को कम से कम 108 बार अवश्य कर लेना चाहिए। चंद्र दोष से जो कलंक लगने की स्थिति होती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। यह मंत्र है, सिंह प्रसेनम अवधीत सिंहो जाम्बवता हत सुकुमार मा रोदी स्त्व वेश स्वमंतक। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए किस प्रकार से आपको इस मंत्र का जाप करना है। सिंह प्रसेनम अवधीत सिंगो जाम्बवता हत सुकुमारक मा रोदी स्त्व वेश स्वमस्तक। इस तरीके से आपको इस मंत्र का जाप करना है। उक्त मंत्र को बोल करके कल्याण की कामना करें, और श्रद्धा पूर्वक आपको गणेश जी को नमस्कार कर लेना चाहिए। यह शास्त्र का दोष शमनार्थ निर्देश है। इस मंत्र को जाप करने से आपके जो भी दोष लगते हैं, वह शमन हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं किस प्रकार से आपको भगवान गणेश को दुर्वा अर्पण करना है, दुर्वा अर्चन करने की क्या विधि हो। सांसारिक कामनाएं इस संसार में आए प्रत्येक व्यक्ति की होती हैं। कई कामनाओं का संबंध जो है मूल आवश्यकता से होता है। इसी इच्छा पूर्ति की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करता है, लेकिन भौतिक प्रयत्न से भी फल नहीं मिलने पर आशा ईश्वरीय चमत्कार की ओर बार बार जाती है, जिसकी प्राप्ति तभी संभव होती है जब अपेक्षक जो है सविधि कोई अनुष्ठान करे, कोई विधि विधान करे। इसमें गणेश जी की साधना जो है वह शीघ्र फलदायी है। इनके अनेक प्रयोगों में उनको दूर्वा बहुत ज्यादा प्रिय बताई गई है, और दूर्वा चढ़ाना, दूर्वा से गणेश जी का अर्चन करना शीघ्रतम फलदायी भी है और बहुत सरलतम भी है। दूर्वा आपको कहीं उपलब्ध भी हो जाती है, और इससे ज्यादा प्रभावशाली कोई विधि नहीं है। इसे किसी भी शुभ दिन में आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसे गणेश जी की प्रतिष्ठित प्रतिमा पर ही करना चाहिए। 21 दूर्वा लेकर के जो नाम मंत्र मैं आपको बताऊं, इनके द्वारा गणेश जी को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करके एक एक नाम पर दो दो दूर्वा आपको अर्पित करनी चाहिए। यह क्रम जो है प्रतिदिन आप जारी रखें, एवं नियमित समय पर एक निश्चित समय पर करने से आप जो चाहते हैं, जो भी आपकी कामना है, उसकी प्रार्थना गणेश जी से आप करते रहें, तो वह कामना जो है शीघ्र पूर्ण हो जाती है।
इसमें इस प्रयोग के अतिरिक्त विघ्न नायक पर श्रद्धा व विश्वास भी रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आप पूजा तो करते हैं लेकिन आपको उनके ऊपर विश्वास भी रखना चाहिए कि आप जिस श्रद्धा और विश्वास से पूजा कर रहे हैं भगवान गणपति जो है वह आपकी विश्वास को पूर्ण अवश्य करेंगे। तो आइए जानते हैं किन मंत्रों के साथ आपको उनको दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। यह मंत्र है ओम गणाधिपाय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः, ओम विघ्न नाशनाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम ईश पुत्राय नमः, ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभवक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। गणेश जी की कृपा दिलाने में कुछ और भी चीजें सहायक हैं। इन मंत्रों के साथ साथ यदि आप उस विधान को भी अपने जीवन में अपनाते हैं या गणेश जी की पूजा की पद्धति में उनको भी आप जोड़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो आपको सबसे पहले करना है कि जो मंत्र मैंने आपको बताए इन मंत्रों के उच्चारण के साथ आपको दुर्वा अर्चन करना है। फिर उसके बाद जो चीज़ें बताता हूँ उनको आप ध्यान रखें अपनी पूजा में, उन चीज़ों को भी यदि आप सम्मिलित करें यानी शामिल करें, उन चीज़ों का प्रयोग करें तो गणेश जी निश्चित ही प्रसन्न होंगे। गणेश जी को लाल और सिंदूरी रंग बहुत प्रिय है। तो जब आप गणेश जी की स्थापना करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, उनको आप वस्त्र अर्पित करते हैं तो लाल और सिंदूरी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करिए। बिछाने के लिए, स्वयं धारण करने के लिए या गणेश जी को अर्पित करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस प्रकार से हनुमान जी और भैरव जी को सिंदूर का चोला चढ़ता है, गणेश जी को भी सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित किया जाता है, आप वो भी कर सकते हैं। दूर्वा के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। दूर्वा अर्चन की विधि मैंने आपको बता दी। चूहा इनका वाहन जो है वो इनको बहुत ही प्रिय है, तो चूहे के लिए भी आपको इन खास 10 दिनों में कुछ कहीं ना कहीं भोग अंश जरूर रख देना चाहिए किसी खुले स्थान पर, इससे आपको कृपा मिलेगी। गणेश जी की आदत जो है बैठे रहने की है, तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब अपनी साधना करते हैं बहुत निश्चिंतता के साथ एक स्थान नियत करके बैठ करके ध्यान लगा करके उनकी साधना करें तो आपको फायदा मिलेगा। लिखने में गणेश जी की विशेषज्ञता है, तो गणेश जी को अगर आप अपनी तरफ से श्रद्धा अर्पित करना चाहते हैं तो गणेश जी के कुछ मंत्र जो भी आपको ठीक समझ में आते हैं, जो आपके लिए आसान लगते हो, वो आप उन्हें लिख करके भी अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से बैठ करके निश्चिंतता के साथ पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनके मंत्रों को आपको लिखना चाहिए और गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। आप जो उनका बीज मंत्र गंग है वो लिख सकते हैं या ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस प्रकार के किसी भी लाभकारी मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। पूर्व दिशा इन्हें बहुत प्रिय है, तो जब भी आप पूजा करते हैं तो पूर्व दिशा में आपका मुख होना चाहिए। लाल रंग के पुष्प चढ़ाने से भगवान गणेश जो है वो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तो लाल रंग के पुष्पों का प्रयोग आपको अपनी पूजा में अवश्य करना चाहिए। प्रथम स्मरण कर लेने से कार्य को निर्विघ्न संपन्न कराते हैं, तो जब आप इस प्रकार से भगवान गणेश की इतनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा आराधना करते हैं तो आपको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं अपना बिस्तर छोड़ने से पहले, शैया छोड़ने से पहले भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, निरंतर आपको सफलता और वृद्धि मिलती रहेगी। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करना भगवान गणेश को पसंद बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई शुभ कार्य करें तो दक्षिण दिशा की तरफ से आरंभ ना करें। कोई भी शुभ कार्य करना हो, अगर मान लीजिए आपके घर की ऐसी वास्तु की ऐसी स्थिति नहीं है कि आप उत्तर या पूर्व मुख से आरंभ कर सकते हैं, तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप पहले अपने घर से निकलें, उत्तर और पूर्व की तरफ कम से कम 10 कदम जाएं, फिर आप दक्षिण या पश्चिम चले जाएं। आपका कार्य हमेशा निर्विघ्न संपन्न होता रहेगा, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। चतुर्थी की जो तिथि होती है वह गणेश जी को प्रिय है, तो आप भाद्रपद से आरंभ करके हर चतुर्थी को छोटे स्वरूप में ही लेकिन करें जरूर, इनकी पूजा अवश्य करिए। स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो इन्हें बहुत प्रिय है, तो जब भी आप गणेश जी की स्थापना करते हैं उनके आसपास या अपने घर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाएं, मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाएं और उसकी पूजा करें तो आपको फायदा मिलेगा। सिंदूर व शुद्ध घी की मालिश इनको प्रसन्न करती है, तो जिस तरीके से मैंने बताया कि आप चोला अर्पित कर सकते हैं चमेली के तेल के साथ या देशी घी के साथ, उसका चोला आप अर्पित कर सकते हैं और उससे अच्छे से मालिश कर सकते हैं।
गृहस्थ आश्रम के लिए सबसे आदर्श देवता है भगवान गणपति। तो कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ आप पूजा कर सकते हैं। जब भी आप गणेश जी की पूजा करें, प्रयास ये करना चाहिए कि अपने परिजनों को, अपने कुटुंबजनों को, सबको एकत्रित करके आप उनकी पूजा करें। और अगर सबको एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो परिवार में कम से कम जितने सदस्य हैं, 2 हैं 4 हैं 5 हैं, उनके साथ आपको सपरिवार पूजा करनी चाहिए भगवान श्री गणेश जी की। इस प्रकार से यदि आप भगवान गणेश को प्रसन्न करते हैं तो आपकी कामना जो होती है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है और भगवान गणेश आपकी कामना को तत्काल पूर्ण करते हैं। तो ये थे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री गणेश। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।